आज आज एक हंसी और बांट लो, आज एक जिंदगी और जी लो, क्या पता कल हो ना हो। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बॉलीवुड की कई सारी मूवीज, कई सारे डायलॉग्स काफी मोटिवेशनल होते हैं, लाइफ में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देते हैं। हमारे बीच एक ऐसा ही बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 1 करोड़ लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। वो चैलेंज है कैंसर। इस बीमारी का सबसे पहला जिक्र 3000 BC में इजिप्ट की एंशियंट ट्रॉमा सर्जरी की एक किताब में किया गया था। तब इसका नाम कैंसर नहीं था, इसको एडविन स्मिथ पेपिरस कहा गया था। ग्रोथ सजेस्टिव ऑफ द बोन कैंसर कॉल्ड ऑस्टियोसारकोमा हैव बीन सीन इन ममीज। यहां तक कि डायनासोर्स के फॉसिल्स में भी कैंसरस ग्रोथ को डिस्कवर किया गया है। अब ये कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या स्टेजेस हैं, आइए जानते हैं। हमारा बॉडी, शरीर सेल से बना होता है। जब कुछ सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उससे टिश्यू बनता है, और कुछ टिश्यूज इकट्ठा होते हैं तो उससे ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये सेल्स का क्या काम होता है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं 1 से 2 में, 2 से 4, 4 से 8, और फिर जब पुराने हो जाते हैं तो शरीर इन सेल्स को मार के गायब कर देता है और फिर नए सेल्स वो जगह ले लेते हैं। कैंसर में क्या होता है, एक ट्रिगर होता है। ट्रिगर से ये कैंसर जो सेल्स होते हैं, नॉर्मल बॉडी सेल्स, उनको डैमेज होता है, और वो डैमेज होने के बाद वो 1 से 8, 8 से 16 या 24 में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। दूसरा, जो पुराने सेल्स बनते हैं, ये वो पुराने सेल्स मर के गायब नहीं होते और वो ऐसे ही रहते हैं शरीर के अंदर। तो ये ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर यानी कि ट्रिगर अंदरूनी भी हो सकती है, ट्रिगर बाहर की भी हो सकती है। बाहर की यानी कि टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, मोटापा। अंदरूनी मतलब बॉडी की अगर कोई इम्यूनिटी कम हो जाती है, या वो कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, या कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं, तो ये ट्रिगर से सेल्स में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो जगह रोकते हैं। तो जगह रोकने की वजह से एक तो वो कम काम करना शुरू हो जाते हैं और आजू बाजू की दूसरे सेल्स को भी काम करने से रोकते हैं या उनमें बाधा डालते हैं। इसे हम कैंसर बोलते हैं। कैंसर 4 स्टेजेस में जाता है। द फर्स्ट वन इज लोकल कैंसर, द सेकंड वन इज स्टेज 2 व्हिच इज स्लाइटली अबव लोकल कैंसर, एंड स्टेज 3 इज कॉल्ड एज लोकली एडवांस्ड, व्हेन द कैंसर रीचेस adjacent organ or a skin or a bone, it is called as stage 3, adjacent. But when it goes, breaches its boundary and goes to liver, lung, bone and brain at a site which is distant from the primary site, then it is called as stage 4 cancer. क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर साल लगभग 8.5 लाख लोगों की मृत्यु कैंसर से होती है। Every year 13.9 lakh न्यू कैंसर पेशेंट्स गेट्स रजिस्टर्ड। इंडिया में कौन से ऐसे कैंसर हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को अफेक्ट करते हैं, आइए जानते हैं। भारत में पुरुषों में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर फेफड़ों का कैंसर है, इसके बाद मुंह का कैंसर, और फिर प्रोस्टेट या गुदगुद का कैंसर, और स्टमक या अमाशय का कैंसर कॉमनली पाए जाते हैं। स्त्रियों में जो कैंसर है वो है स्तन का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर। तो ये हमारे देश के सबसे कॉमन कैंसर्स में हैं। हर कैंसर के साइंस और सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ जनरल सिम्टम्स हैं, आइए जानते हैं। हमें 7-8 वार्निंग साइंस का ध्यान रखना है। किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में कोई गांठ होना या लिम्फ नोड या स्वेलिंग होना एक सिम्टम है कैंसर का। ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ऑरिफेस, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ, वॉमिटिंग, कफ, ब्लीडिंग फ्रॉम स्टूल एंड ब्लीडिंग इन वजाइना, पर वजाइनल पोस्ट मीनोपोजल ब्लीडिंग, दीज आर अगेन अ सिम्टम ऑफ कैंसर, वी शुड नॉट इग्नोर इट। अनएक्सप्लेन्ड फीवर इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, नॉन हीलिंग अल्सर, मुंह में कोई छाला
या स्किन पे, चमड़ी पे कोई छाला जो नहीं भर रहा, विच इज नॉट हीलिंग, कैन बी कैंसर. एंड आई वुड सजेस्ट एनी सिम्टम्स विच इज गेटिंग प्रोलॉन्ग, भूख ना लगना, जॉन्डिस होना, दर्द होना पेट में, विच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, कैन बी वन ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर. इसके साथ हर वक्त थकान महसूस करना, स्किन का कलर चेंज होना, लगातार खांसना या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम आना या फिर निगलने में तकलीफ होना भी कैंसर के कारण हो सकते हैं. अगर आपको भी ये सिम्टम्स हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए एंड अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. इसको डिटेक्ट करने के लिए आज कुछ सॉल्यूशंस आ गए हैं. डॉक्टर फिजिकली एग्जामिन करके, जैसे कि स्किन का कलर चेंज होना या फिर किसी अंग का आकार बढ़ जाना, और भी कुछ पैरामीटर्स से कैंसर सस्पेक्ट कर सकते हैं. यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट से भी पता लगाया जा सकता है. सीटी स्कैन, बोन स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की मदद से भी पता लगाया जा सकता है. बायोमार्कर्स और बायोप्सी आर इक्वली यूजफुल टू डिटेक्ट दिस डिजीज. एक बार कैंसर डिटेक्ट होने के बाद डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि ये कौन से स्टेज पे है और इसका क्या बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है. When we talk about treatment of cancer, so there are three main pillars: medical, surgical, radiation. So a local cancer or a stage 2 cancer should be treated with surgery. This is treatment in majority of the cancer. This is not pinpoint to any particular organ. And then we do treatment so that it doesn't relapse. It could be in the form of chemotherapy, hormonal therapy, or a targeted therapy. When the cancer is stage 3, means it has spread locally, then we shrink it down with the help of chemotherapy or radiotherapy. So in stage 4 cancer, we do not have cure always, but we do care always. So treatment can be done in the form of chemotherapy, hormonal therapy or targeted or a combination of these. Wise log keh gaye hain ki prevention is better than cure. Cancer jaisi bimari ko rokne ke kuch aasan tips hain, aaiye jante hain. Stop smoking and tobacco consumption. If you smoke, then please quit it. And if you don't smoke, then don't start. Na sirf lung cancer, balki kai sare cancers smoking se trigger ho jate hain. Stop consuming alcohol. According to the latest report of WHO, even consuming a single drop of alcohol may give you cancer. Eat a healthy diet. Choose a diet rich in fruits and vegetables. Select whole grains and lean proteins. बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड मीट को ना खाएं. Regular exercise. It is important to exercise at least 30 minutes a day. इससे कैंसर के साथ साथ और कई सारी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है. Maintain a healthy weight. Being obese may increase the risk of having cancer. Maintain a healthy weight through a combination of healthy diet and regular exercise. Avoid excessive sun exposure and other radiations. Harmful ultraviolet rays ke bahut zyada exposure se bhi cancer trigger ho sakta hai. Limit your sun exposure by staying in the shade, wearing protective clothing or applying sunscreen. Regular screening. Niyamit roop se cancer ko screen karwana zaruri hai, ताकि हम कैंसर को उनकी शुरुआती स्टेज में ही रोक सकें. इम्यूनाइजेशंस. सर्टेन वायरसेस इंक्रीजेस योर रिस्क ऑफ कैंसर. इम्यूनाइजेशंस मे हेल्प प्रिवेंट दोस वायरसेस, इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस बी, व्हिच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लिवर कैंसर, एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस व्हिच इज HPV, व्हिच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड अदर कैंसर्स. आस्क योर डॉक्टर वेदर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट दिस वायरसेस इज एप्रोप्रिएट फॉर यू और नॉट. Most important myth is biopsy spread. I don't have to eat sugar. Chemotherapy means death. Chemotherapy is extracted from snakes. Once cancer happens, I will die. This is the biggest myth. So we all have to overcome on this cancer myths. And slowly, our country is improving on its myth. The number of people who are taking chemotherapy or treatment for cancer is an answer to those myths. Can you live with cancer? Is another question which my patients ask. Yes, millions are living and we have no choice if we develop a cancer. So my punchline is, do not die before you die. So life has changed in last 10 years. There's a paradigm shift in cancer care and
the world is moving towards targeted therapy, so millions are living. Again, I repeat, let's not die before our death. कैंसर ना हो उसके लिए प्रिकॉशंस लें, रेगुलर स्क्रीनिंग करवाएं, और अगर हो जाए तो घबराएं नहीं, उसका सामना करें. यू कैन बी अ विक्टिम ऑफ कैंसर और अ सर्वाइवर ऑफ कैंसर. इट इज अ माइंडसेट. स्प्रेड दिस अवेयरनेस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू ओनली माई हेल्थ.